खनन माफिया का विकट जाल, हमला धमकी और खुली ताल, सरकार की नीयत पर उठे सवाल, तून से दिल्ली तक मचा बवाल। जी हाँ, खनन माफिया का विकट जाल दून से दिल्ली तक मचा है बवाल। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि आवाज उठाने वालों की जान पर बनाई है। वहीं इस आफत पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक मच रहा है शोर। न सरकार का खौफ न सिस्टम की परवाह, बाकी सारे नियम तो खुद मौन हो जाते हैं इन खनन माफियाओं के खौफ से। हालात की हकीकत में कार्रवाई तो दूर की कौड़ी, मुंह खोलना भी गुनाह अजीम है, क्योंकि रामनगर तो गढ़ बन गया है इनका। प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी कल्याणी ने दिखाए थे तेवर, लेकिन ऐसी तस्वीर बनी कि बात जिंदगी पर बनाई। 40-50 लोग एकदम वो स्कूटर पे बाइक पे बैठे हुए, मुंह ढक के तलवार वो कृपाण वगैरह लहराते हुए डंडे लेके पीछे से आए पहले, और उसमें एक अध्यक्ष की सफेद रंग की एसयूवी थी, वो पीछे की तरफ गई और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के ड्राइवर को उन्होंने गर्दन पकड़ के धमकाया कि तुम यहाँ पे दिखे तो तुम्हें जान से मार देंगे। कल्याणी पहला किरदार नहीं है खनन माफियाओं की बेखौफ कहानी का। वन विकास निगम के अध्यक्ष हरीश धामी ने भी लगाए थे आरोप हमले के। राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी और उनके साथी मुनीश पर भी किया था माफियाओं ने हमला। मेरे पर प्रभात ध्यानी और मेरे साथी जो मुनीश कुमार थे, उन पर ढिलन स्टोन क्रेशर मालिक जो सुमन सिंह है और उनके पुत्र डीपी सिंह ने एक पूरी साजिशन एक जानलेवा हमला करवाया अपने गुंडों के द्वारा। ये दर्द है देवभूमि का, और इसी दर्द का शोर अब दिल्ली में मच रहा है। जमावड़ा जंतर मंतर पर लगा है, विजय बहुगुणा से लेकर सतपाल महाराज तक सभी सवाल कर रहे हैं सरकार से। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है, निंदनीय है। कल्याणी पर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, प्रभात ध्यानी को मारा गया और लोग ये कहते गए कि हमारी तो ऊपर तक पहुंच है, और ये प्रोटेक्शन, सरकार का प्रोटेक्शन जो है इस प्रकार से दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है वैध खनन वालों को, इसलिए वो इतने हावी हो गए हैं। मैं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से कई बार इस चर्चा कर चुका हूँ, प्रश्न बोल चुका हूँ। शासन के पास सारी जानकारी है कि अवैध खनन में जो लोग है वो कौन लोग है, उनके ऊपर किनका संरक्षण है, वो कौन लोग है जो उनको उनका साथ दे रहे हैं, वो कौन अधिकारी हैं जो मूक दर्शक के बैठे हुए हैं। और अब समय है कि हरीश रावत जी जो है वो किसी दबाव में ना रहे और सख्त कार्रवाई करें। ये हाल है देवभूमि उत्तराखंड का, जहां बेखौफ है खनन माफिया और आरोपों की हर उंगली सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रही है। कुछ कीजिए सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि सवालों का सैलाब आपकी सत्ता हिला दे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब वो अधिकारियों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे नोएडा स्टूडियो से ही हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद है, अब वो अधिकारियों पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे। प्रभात ध्यानी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर किसका संरक्षण इन खनन माफियाओं को मिल रहा है कि वो जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस पर हमला कर रहे हैं और अब आईएफएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे? नहीं, जाहिर तौर पर है कि जो उत्तराखंड में जो खनन माफिया बेलगाम है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, सरकार का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए वो बेलगाम है। उनको पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है, ले देकर के मामला निपट जाएगा, या तो मुकदमा वापस ले लिया जाएगा या फिर उस अधिकारी को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए ये पूरा जो अवैध खनन का मामला है ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर है, और चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उनका पूरी मिली भगत है इसमें। मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने कभी भी इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आप पर भी हमला हुआ, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, जो मेरे पर भी 31 मार्च को मेरे पर मुनीश कुमार पर हमला हुआ था, उसका जो मुख्य साजिशकर्ता है, आरोपी है, वो आज तक नहीं उसको गिरफ्तार कर पाई है पुलिस। और जो अभी जो रामनगर डिपो में पर भी जो प्रशिक्षु आईपीएस है उस पर भी जो हमला हुआ है, अज्ञातों को पुलिस पकड़ रही है,
लेकिन जो नामजद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये सारे सवाल हैं कि आखिर सरकार और तब जो प्रशासन है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो उन्होंने आरोपी बनाया जिनके खिलाफ तहरीर दी है उनको नामजद उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, और यही मामला हमारे उसमें भी हुआ। ठीक है वीरेंद्र मिश्र जी, आखिर ये मसला क्या है? अवैध खनन का मसला आज का तो है नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं और अब तो हमलों पर उतारू हो गए हैं खनन माफिया। सवाल ये कि जिनके खिलाफ तहरीर दी जाती है उन पर तो कार्रवाई होती नहीं है, आखिर वजह क्या है? क्या कोई संरक्षण प्राप्त है इन खनन माफियाओं का जो इनके हौसले इतने बुलंद है? देखिए मैं सबसे पहले समाचार प्लस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से लगातार पिछले 2-3-6 माह से खनन के ऊपर जो भी सच्चाई है जनता के सामने रखने का आपने प्रयास किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज उत्तराखंड राज्य में जब से हमारे इस राज्य के नए मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी आए हैं, तो आज जो खनन है वो अवैध खनन में तब्दील हो गया है, और खनन का जो कारोबार है वो इनके लिए दुधारू गाय का काम कर रहा है। इस राज्य में जब से राज्य बना है पहली बार हुआ है कि इस राज्य में अधिकारी सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में राजनेता सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में मुख्यमंत्री के जो दाएं हाथ कहे जाने वाले हरीश धामी जी हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर सरेआम जो है एक डंपर जो है उनकी हत्या करने का उन पर चढ़ाने का प्रयास करता है, उसके बाद फिर दबाव में वो मुकदमा वापस भी ले लेते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस राज्य में, अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो माननीय विजय बोगना जी ने इस राज्य में मुख्यमंत्री के बनने के बाद SIT का गठन किया था, हम सब विपक्ष के दलों ने उसका स्वागत किया था, और जो अधिकारी गुंजियाल जी उसमें थे उन्होंने निश्चित रूप से 5-6 महीने बहुत प्रयास किया इस राज्य के विकास में, इस राज्य को अवैध खनन से बचाने के लिए। लेकिन जब ये नई सरकार नए मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आए उस SIT का कहीं पता नहीं चला, और एक दिन का पूरा जो है रोड शो हो गया, DGP से लेकर सड़क पर खड़े हो गए अवैध खनन को रोकने के लिए। इनके एक जो है राजनीतिक सलाहकार है औद्योगिक विकास के, वो हरिद्वार में जो है खनन अवैध खनन की मॉनिटरिंग करने लग गए। तो ये तमाम संदेह है इस सरकार के ऊपर इस बात का संकेत करते हैं कि सरकार में पहुंचे हुए सरकार में जो ऊपर पांचों तल पर बैठे हुए जो लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त है, उनका संरक्षण प्राप्त है। मैं विजय बोगना जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं विजय बोगना जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज हिम्मत करके इस बात को कहा है कि वो बार बार मुख्यमंत्री जी से कहते रहे लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ठीक बात धस्माना साहब, मैं अपना भी कहूं कि इस हजारों करोड़ के काले धंधे में सत्ता किस भागीदारी है, कहीं ना कहीं सरपरस्ती है, मैं मान लीजिए ना भी कहूं, फिर भी ये जिम्मेदारी तो सत्ता के ऊपर है कि वो ये साबित करे कि ये आरोप जो हवा में तैर रहा है वो झूठा है कि सत्ता का संरक्षण है। इनका निर्णायक तौर पर दमन हो जाए अवैध खनन वालों का, ये आरोप अपने आप खंडित हो जाएगा और हो जाएगा कि सरकार का कोई लेना देना नहीं इस खनन से। लेकिन अगर ये खनन जारी रहेगा तो ये सवाल भी लगातार बना रहेगा कि सत्ता का संरक्षण है। दशमाना साहब, अमिताभ जी, खनन के मामले में पहले भी हम बहस कर चुके हैं और मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता, पार्टी की राय क्या है वो पार्टी के अध्यक्ष जी बताएंगे, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन उनके बताएंगे, लेकिन मेरी हमेशा से मान्यता रही है कि इसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता है, वरना आपने जो बात कही है वही सिद्ध होगी कि सत्ता का संरक्षण चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने में रहा हो, चाहे आज हमारी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अगर अवैध खनन वाले लोगों का हौसला इतना बुलंद हो जाएगा कि वो राजनेताओं पर अधिकारियों पर हमले करने शुरू कर देंगे, उत्तराखंड जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश में होता हो तो हम उसमें, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है आप सब जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अगर इस प्रकार से IFS अधिकारियों के ऊपर, प्रशिक्षु के ऊपर और राजनेताओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, या राज्य आंदोलनकारी धानी जी जब इनके ऊपर हमला हुआ था मैंने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, मैंने तमाम जगह कहा था कि ये गलत हुआ है। लेकिन आपने जो बात कही उस बिंदु पे मैं आ रहा हूं कि अगर इनके खिलाफ सरकार पूरी तरह से दमन का नहीं करेगी, अगर पूरी तरह से जनता को ये नजर नहीं आएगा कि खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठा रही है, उनको जेल के सीकचों के अंदर
भेज रही है। अगर ये नहीं होगा दसवाना साहब, अगर अपन इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहें जो गांव का आदमी समझ ले, मेरी बात से बाकी मेहमान भी मेरे प्रभात ध्यानी भी और वीरेंद्र जी भी सहमत होंगे। मान लीजिए इलाके में एक गुंडा है, लोग कह रहे भाई दरोगा जी की सरपरस्ती इसको हासिल है, तो दरोगा जी का पहला काम क्या होना चाहिए? उस गुंडे के 4 लाठी मार के पब्लिकली ले जाके थाने में ढूंढ दो, अपने आप जनता ये आरोप को भूल जाएगी, वो कहेगी ना मैं दरोगा जी अच्छे हैं। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्या हम ये मान ले, क्या हम ये मान ले उत्तराखंड का सत्ता प्रतिष्ठान 1500 गुंडे मवालियों से हार गया, या तो फिर हम ये मान ले? देखिए जिम्मेदारी जो है ये जवाबदेही निश्चित तौर पे जो सरकार है, शासन है और जो सरकार के चलाने वाले लोग हैं, हम लोगों पर ये जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित तौर पे बनती है कि अगर कोई इस प्रकार का काम चल रहा है, इस प्रकार का काम हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हमले हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करने में हम, आपने जो बात कही, या तो हम फेलियर होंगे, और अगर अगर जानबूझ के नहीं हो रही है तो संरक्षण है। तो इसलिए मैं समझता हूं जानबूझ के तो नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार को इसमें बहुत आगे आकर के कठोर कदम उठाना होगा, और कठोर कदम ऐसा उठाना होगा कि आगे भविष्य में किसी की हिम्मत ऐसी ना हो। ठीक, दशमान साहब आपके पास आएंगे, आपके प्रभात ध्यानी जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी बदनामी तब तक नहीं कराती, तब तक अपनी बदनामी के लिए तैयार नहीं होती जब तक बदनामी के बदले में ठीक ठाक मिठाई नहीं आए। मुफ्त में बदनामी कौन कराएगा, आप बताओ? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है भैया, और इसी बात आप बताओ, या फिर मुझे ये समझा दो कि भाई उत्तराखंड में 1000-2000 गुंडे होंगे, ये जो सब धंधा फैलाए होंगे, ठीक है ना, मैं उनके चेलों की बात नहीं कर रहा, प्रमुख लोग तो इतने ही होंगे, इतने भी नहीं होंगे, क्या उत्तराखंड का पूरा शासन 1500 आदमी को दंडित करने की हैसियत में नहीं रहा, यह मिठाई है इसमें? बिल्कुल इसमें मिठाई है, और हम बार बार कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक संरक्षण, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और बड़े ताजुब की बात और हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो लंबे समय से उनका जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक उससे जुड़े रहे हैं, उनकी व्यवस्था समझें या उनका उनको कोई आदमी उनको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो वो माफियाओं के सामने, अवैध खनन के सामने बेबस और कमजोर दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वीरेंद्र जी, वो एक थोड़ा सा इसी सवाल को थोड़ा रिफ्रेम करके आपसे जानना चाहूंगा, मुझे समझाइए, कोई सरकार जब वो जान रही कि गली गली ये शोर है कि मेरी सरपरस्ती में काम हो रहा है, और अगर मुझे उससे कोई लाभ नहीं तो मैं पहले सबसे पहला काम करूंगा उस काम को बंद कराऊं, एक बात। दूसरी बात जो मुझे समझ आती है, उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें आई, हर सरकार इस अवैध खनन के आगे एक समन्वय करके चलती हुई दिखी, क्या हम ये क्यों नहीं मान ले कि आरंभ से आज तक मिठाई की बड़ी भूमिका है इस काले कारोबार में? वीरेंद्र भाई, देखिए सर, आपका जो पहला प्रश्न का जवाब है कि राज्य का जो संरक्षण और संवर्धन प्राप्त है, राज्य के जो ऊपरी तल पर जो बैठे हैं सचिवालय के, उनके जो खासम खास जो सलाहकार हैं, उनके द्वारा जो संचालित हो रहा है, बार बार सरकार पे उंगली उठी है, तो राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं कि बदनामी हो रही है, कि राज्य सरकार को इस बात की परवाह नहीं कि मीडिया उनके ऊपर चर्चा कर रहा है, उनको इस तरीके की परवाह नहीं कि लोगों के ऊपर जो है इस तरीके की हत्या हो रही है या उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। प्रश्न इस बात का हो गया कि उनके लोग जो 15 सालों से राज्य बनने के बाद आज तक सत्ता के मुख्यधारा से नहीं थे और पहली बार उनको मौका मिला है, उनको संरक्षण और समर्थन देकर उनकी ताकत बढ़ाने का काम है। किसी को रामनगर से जाकर चुनाव लड़ना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस एरिया का समर्थन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, ये काम है। इसमें सरकारी की बदनामी हो तो कुछ हो, तो जिसे कहते भैया 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 सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का, एक काम तो इसमें हो रहा है। दूसरा, जहां तक है, जब से राज्य बना है और आज तक की तमाम घटनाओं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें या तमाम रिपोर्टों पर देखें, अवैध खनन हुए होंगे, पहले भी चुगान के पट्टे जो है सरकार के द्वारा दिए जाते थे, क्रेशर के और दूसरे तरीके के, भाई वो पट्टे पट्टे की कहानी सब जानते हैं, कौन सा पट्टा दिया जा रहा, पट्टा दिया जाता है 2 फुट का, खोदते हैं 100 फुट, ये कहानी मैं नहीं कह रहा, पट्टा नहीं, मैं अमिताभ जी वही कह रहा हूं, लेकिन ऐसी अति कभी नहीं हुई है।
ऐसी अति कभी नहीं हुई है, चाहे भोगना जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे उससे पहले दूसरे कार्यकाल रहे हो, जितनी आज अति हो गई है दोनों हाथों से इस राज्य के ऊपर बैठे हुए अधिकारी और इस राज्य के ऊपर बैठे हुए राजनेता दोनों हाथों से। ठीक, विनय भाई फिर आएंगे। धस्माना साहब, अपन व्यवहारिक बात करें, पार्टी आर्टी छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। चौराहे पर जो दरोगा कुर्सी डाल के बैठता है ना, आपने भी राजनीतिक जीवन जिया और पत्रकार भी सार्वजनिक जीवन जीता है, तो उतने लोगों से हम लोग भी रोज मिलते जुलते हैं, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके निगाह से कोई अवैध काम करने वाली गाड़ी गुजर नहीं सकती बिना नमस्ते किए। नमस्ते आप समझ गए, ये बोलूं सीधे, नमस्ते आप समझ गए ना। सिपाही उसके पास जाता है, गाड़ी साइड में खड़ी होती है, ड्राइवर हाथ नीचे करता है, सिपाही का हाथ ऊपर जाता है और मुट्ठी बंद होती है और जेब में। ये तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। ठीक, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सरकारों की आंख के नीचे से हजारों डंपर रोज निकल रहे। मैं ये तो मान सकता हूं फंड की हेरा फेरी चुपचाप हो जाए कंप्यूटर पर, लेकिन अवैध खनन का काम तो ऐसा है, ये तो बिना ढोल ताशे के हो ही नहीं सकता। एक जगह होता है 20 किलोमीटर तक तो उसकी गूंज होती है। धस्माना साहब, तो कैसे मान ले, समझ नहीं आ रहा भाई, पता नहीं, कोई बताएगा तो जानेंगे। अमिताभ जी, मैं बिल्कुल इस आपकी बात से शुरू से मैं इस बात को कह रहा हूं और मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है इसमें, मैं किसी बात की चिंता भी नहीं करता साफ बात बोलने से। ये बहुत व्यापक स्तर पे पूरे उत्तराखंड में बीमारी फैल गई है और जो जिसकी जवाबदेही है, हम लोग शासन में है, सरकार में है, हम लोग इस बात से बच नहीं सकते कि हम अगर ये चोरी हो रही है तो हम इसमें कोई बहानेबाजी करें। इसलिए तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है, कल्याणी देवी ने भी जो नाम बताए हैं उनका भी आपकी पार्टी से संबंध है, और प्रभात ध्यानी जी पर जो हमला हुआ था उसका भी आपके पार्टी से संबंध है। पार्टी की किरकिरी हो जाएगी, सवाल सरकार पर उठेंगे, इसलिए सरकार को खामोश रहना बेहतर। नहीं, अमिताभ जी ने जो बात कही है, मैं गायत्री मैं इस बात से सहमत हूं, पार्टी की किरकिरी का मसला नहीं, इतना बड़ा काम चार कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए नहीं हो सकता ना अमिताभ जी, काम बिना लाभ के हो ही नहीं सकता। चार कार्यकर्ता के लिए बंद भी हो जाए तो कौन सी सरकार गिर रही है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कोई नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में पुख्ता जानकारी करके और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये सिद्ध होगा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही धस्माना जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी वीरेंद्र देश जी भी कह रहे थे कि इनकी भी सरकारें रही तब भी ये होता रहा, अब अगर सरकारें ही काम नहीं करेंगी, सरकारें ही कार्रवाई नहीं करेंगी तो कौन करेगा कार्रवाई? एक दिन ऐसा आता है जनता करवा लेती है कार्रवाई। जनता को तो खनन माफिया छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बहुत इसमें स्पष्ट हूँ और इसमें मेरा कोई बिल्कुल किसी प्रकार से दृष्टिकोण में कोई मैं दाएं बाएं नहीं कर सकता इस मामले में। खनन के मामले में शासन को, सरकार को मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सख्त होना पड़ेगा, किसी की सरकार हो, किसी का शासन हो। लेकिन जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अगर खनन हो रहा है और अवैध खनन हम उसे बोल रहे हैं तो वो इतना इतना खुली चीज होती है, ट्रक में माल उसका चुगान होता है, खुदान होता है, किस जगह वो खुद रहा है, किस जगह वो चुगान उसका किया जा रहा है। प्रभात ध्यानी जी, ये मसला सिर्फ सरकार की उदासीनता है और दबाव का तो नहीं लगता? नहीं, सरकार की उदासीनता दबाव के कारण जो हमारे जो जैसे जिला खनन समिति है, जिला खनन समिति का काम है, उसका अध्यक्ष होता है जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, उसके पास प्रशासनिक और पुलिस की पूरी पावर होती है जिनको मॉनिटरिंग करता है। और अवैध खनन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, यहाँ पर रामनगर से लेकर हल्द्वानी से लेकर लाल कुआं से लेकर कोटद्वार से लेकर हरिद्वार तक, लेकिन जिला खनन समिति के खिलाफ जिसमें प्रदूषण बोर्ड के सदस्य हैं, जिसमें पर्यावरण के लोग हैं, जिसमें वनाधिकारी है, जिसमें वन निगम के लोग हैं और तमाम उसमें लोग हैं, लेकिन मानकों के खिलाफ आप सीज कर रहे हैं, लेकिन उन जिलाधिकारियों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो खनन समिति के सदस्य हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इससे आप तो आपकी चित भी अपनी पट भी अपना, आप कार्रवाई दिखाते हैं, सीज करने के भी पैसे लेते हैं, खोलने के भी पैसे लेते हैं, तो उनको तो अधिकारी को तो माल ही माल है। अभी दबाव बना तो सीज कर देंगे, फिर खोलने के ऊपर से आया उनने कहा खोलो, उसमें भी करोड़ों के वारे न्यारे। तो पूरा हमारा कहना है कि यदि हरीश रावत जी ईमानदारी से इस बात को कहते हैं कि हम अवैध खनन के खिलाफ कह सकते हैं,
तो उनको जिला खनन समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जो भी इसमें जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो, वन विभाग के अधिकारी हो, खान अधिकारी हो, प्रदूषण बोर्ड के हो, आपके पर्यावरण के लोग हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तब तक अवैध खनन रुकेगा नहीं और उनकी मंशा को ठीक है। वीरेंद्र जी, एक व्यवहारिक अनुभव हम लोगों ने जीवन में पाया, गांजा चरस, अफीम, कोकीन और वेश्यावृत्ति, ये लाउड चीजें नहीं है, अवैध है लेकिन लाउड नहीं है, ये चुपके चुपके भी संचालित हो जाती हैं। मैंने कोई इंस्पेक्टर ऐसा नहीं देखा इलाके का जिसको जानकारी ना हो किस गली के किस मकान नंबर में धंधा हो रहा है। और इतना बड़ा कांड हो, पूरी नदी की छाती फाड़ दी जाए, हजारों डंपर मूव करे, धूल उठती है किलोमीटर तक, आवाजें होती हैं, और फिर बहुत भोले बन के, गौतम बुद्ध बन के अधिकारी और नेता कहे क्या कहा अग्निहोत्री जी, खनन अवैध। अच्छा देखते ये ड्रामा मतलब कब तक उत्तराखंड में। अमिताभ जी जी, मैंने कहा कि जब अति की परिकाष्ठा हो गई है, और देखिए ना, एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, आज एक हफ्ता होने वाला है, अभी तक एक भी व्यक्ति उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है, उल्टा उनके ऊपर जो है दबाव देकर इसको एफआईआर जो है पीछे लेने की, वापस लेने की जो है वो चल रहा है। ये जो तब तक है, मतलब आप देख रहे हैं कि सरकार की संलिप्तता सामने सामने दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही तो कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक दिन का जो टास्क चलाया था, हमने उस दिन भी अमिताभ जी आपके सामने यही कहा था कि आपने जितने डंपर पकड़ लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिए, इन पर छापा मार लिया, भाई आपने उनका बताओ तो सही, इनका मालिक कौन है, कौन ये जो है पट्टे पर अवैध खनन करा रहा है, कौन किस तरीके से अवैध क्रेशर करा रहा है। सरकार बोलने को तैयार नहीं हुई, इवन दो दिन के बाद दूसरे दिन जो है बहुत बंद हो गया है। छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटा रेत बजरी वाले करने वाले जो काम है, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके आपका पुलिस का सिपाही जरूर पहुंच जाता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, सरकार आज एक भी बड़े व्यक्ति का, एक बड़े भी व्यक्ति का जो है नाम बताने को, सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है, कोई खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, अपनी साख बचाने को तैयार नहीं है। सरकार तो यह है कि साख गिरे तो गिरे, लेकिन जिस तरीके से धन का संचय हो जाए, क्योंकि हाईकमान को भी देना है और प्रदेश के 2000 के सत्ता के चुनाव भी कराना है, ये कांग्रेस की परिपाटी है। अगर लगाम नहीं लगती है तो फिर सवाल उठेंगे सरकार पर। अमिताभ जी संपाद के टिप्पणी। देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हरीश जी की, एक्स्ट्रा पावर दे रहा हूं, ये कोई शिलाजीत की गोली थोड़ी ना कि आज दो खा ले बेटा। और हरीश जी तो इतने अनुभवी हैं, कोई नौसिखिया कहे तो समझ आता है। भारत के कार्य व्यवस्था में, सरकार संचालन के, प्रशासन संचालन में कलेक्टर और कप्तान के अधिकार डिफाइंड है। कोई वाहन, कोई व्यक्ति जिले के अंदर घुस नहीं सकता अगर कलेक्टर चाह ले। लेकिन कलेक्टर के बस का कहां है, उसके हाथों पीछे बांध दिया आपने, कप्तान को आपने मुंशी बना के खड़ा कर दिया कि भाई तू डंपर निकलवा रात में खड़े होके, डंपर को रोक नहीं, तू डंपर को एस्कॉर्ट कर, तो वो डंपर ही गिन रहा है, वो भी 100-100 रुपए ले लेगा बीच में अपने जेब में डालने के लिए। मूल प्रश्न ये है, मैं तो हिपोक्रेसी कर नहीं सकता, पाखंड मुझसे होता नहीं कि गोल गोल बात कहूं। बिना मिठाई के और भारी भरकम मिठाई के अवैध खनन देश में, दुनिया में कहीं संभव नहीं, ये जान लीजिए। कौन कौन मिठाई खा रहे हैं खुद देख लीजिए, अपने आसपास निगाह मार के। जिनके घर में आपको संपन्नता अचानक ज्यादा दिख गई हो, चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, समझ लीजिएगा ये सब खनन की मिठाई है। इसके लिए तो कोई दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं ना प्रभात ध्यानी। पड़ोसी जो कल तक साइकिल पर चलता हो, आज अगर बिल्कुल राजा बाबू हो गया हो, तो समझ लीजिए ये डंपर का पैसा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, अधिकार तो है। धसमाना साहब है, वीरेंद्र जी जानते हैं, एक एसएसपी के पास इतनी ताकत है कि उसके जिले में अवैध खनन हो नहीं सकता। आप उसको छूट तो दीजिए, आप उससे कहिए तो कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसको पता है आज मैं डंपर पकड़ूंगा, कल मैं हटा दिया जाऊंगा। काहे को डंपर पकड़ेगा, जब डंपर वाला उसको भी मिठाई दे रहा है तो वो डंपर भी पकड़े और नौकरी भी गवाए क्यों? इतने समझदार तो हर आदमी है। ये मसला ये नहीं,
और अभी वीरेंद्र भाई कह रहे थे पता नहीं कौन कि राजनीतिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता, इतनी बदनामी आदमी राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए भी नहीं झेलता। ये सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी का प्रताप है जिसके लिए आदमी बदनामी की गंगा में भी गोता लगा लेता है कि भैया आंख लपेट लो, माल आने दो। मैं कतई नहीं मान सकता, चाहे सब लोग एक तरफ होके कहें कि बिना सिस्टम को चढ़ावा चढ़ाए इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो जाए। एक और जितने अभियानों की चर्चा उत्तराखंड में अभी तक मैंने सुनी, वो अभियान वीरेंद्र भाई बताएं धतवाना साहब कैसे थे, वो ऐसे थे इलाके में नरभक्षी बाघ है और प्रशासन पकड़ रहा है खरगोश, समझ रहे ना आप, नरभक्षी बाघ को नहीं पकड़ रहा, खरगोश को पकड़ रहा है। उनसे कुछ होगा नहीं, जिन लोगों ने, मैंने इस समस्या को प्रैक्टिकली देखा है, मैं जानता हूं उसमें कितना वॉल्यूम पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, और डंपर सीज करना और छोड़ना ये तो अच्छी बात कही ध्यानी जी ने, ये तो डबल मुनाफे का धंधा है, सोमवार को सीज करो मंगल को छोड़ो चांदी चांदी, ये कोई तर्क नहीं। और जब जब सरकारों ने, प्रशासन ने चाहा है, जो चाहा है वो करा ही लिया, नहीं करा लिया क्या? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, सरकार के पास इतनी शक्ति होती है, राजदंड में इतनी सामर्थ्य होती है कि किसी डंपर का पहिया मूव नहीं कर सकता अगर सरकार चाह ले। बाकी इन सब बाकी बातों का कोई अर्थ नहीं, हम बहुत गंभीर हैं, देखेंगे बख्शेंगे नहीं, और नहीं, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। और प्रभात भाई, ये कमेटी अमेटी भी कुछ नहीं होता, मूल होता है टॉप से संदेश क्या आया, शिखर से क्या संदेश आया, नीचे होमगार्ड तक वही संदेश रिसीव कर लेता है। एक बार मैसेज आ जाता है, आप लोगों ने तो देखा होगा, और प्रभात ध्यानी जी तो जरूर देखा होगा जब इन पर हमला हुआ, एक संदेश आ जाता है अधिकारी के पास कि भाई ये रामलाल अपने आदमी है, बात खत्म हो गई। फिर रामलाल जी के साथ जितने डंपर निकले, हु केयर्स, केवल यही परिस्थिति, अभी यही परिस्थिति है जिसने उत्तराखंड के पर्यावरण को संकट में लाके डाल दिया। धस्माना साहब, ये मसला केवल पैसे का नहीं, ये उत्तराखंड के अस्तित्व का मसला है, ये भारत के पर्यावरण का मसला है, ये हमारे नदियों की सेहत का मसला है, ये मसला आने वाली पीढ़ियों के मुकद्दर से जुड़ा मसला है, इसलिए इस पर आज न्याय होना चाहिए, जागना चाहिए, एक राजनीतिक संकल्प दिखना चाहिए, सारी पार्टियों को दबाव बनाना चाहिए सरकार पर, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो। मुझे याद है हीरा सिंह मिश्र जी ने यह बात उठाई थी, आज विजय बहुड़ा जी ने उठाई है, भाजपा कांग्रेस सबको इस मुद्दे को उठाना चाहिए और हुकूमत पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाना चाहिए। प्रभात ध्यान जैसे लोगों को भी साथ रखिए कि यह काम रोका जाना चाहिए, यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र बीर जी आपका, सूर्यकांत धस्माना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात ध्यानी जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।